भोरंज उपमंडल की ग्राम पंचायत महल के कस्बे टिक्कर भराइया में फर्नीचर इंडस्ट्री में शनिवार रात आग लगने से करीब 20 लाख रुपए की मशीनरी एवं एक कार जल गई। फर्नीचर इंडस्ट्री के मालिक रंजीत सिंह ने बताया कि रात करीब 3:30 बजे उन्हें उनके मिस्त्री जो कि इंडस्ट्री में उनके पास ही काम करते हैं ने दूरभाष पर आग लगने की सूचना दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि सभी कमरों में भयंकर आग लगी है, जिसकी सूचना उन्होंने फायर ब्रिगेड हमीरपुर व भोरंज पुलिस को दी। हमीरपुर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने तक आग और भयंकर रूप धारण कर चुकी थी और भीतर रखा सारा सामान आग की चपेट में आ चुका था। पीड़ित रंजीत सिंह के अनुसार इंडस्ट्री के भीतर एक बड़ा आरा, दो प्लेनर, लेट मशीन, मोटरें, डीपू से खरीदी गई इमारती लकड़ी, दरवाजे व चौकटों के अलावा एक कार भी इस आग की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि इस घटना में लगभग उन्हें 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। कार से ही मुआवजा चाहता हूँ, मेरी फिर से इंडस्ट्री शुरू हो जाए और मेरे पास 7-8 आदमी काम करते हैं, उनके रोजगार चल पड़े। हमने पहले FIR करवाई थाने में और उसके बाद फोन किया फायर ब्रिगेड को। फायर ब्रिगेड आए और उन्होंने पूरा मार से लिख के ले गए और उन्होंने भी सहयोग दिया। आग लगी है ये श्री रणजीत सिंह की फर्नीचर की और आरा मशीन थी और इसमें रात को जो आग लगी है उसमें जो नुकसान हुआ है वो लगभग 20,58,800 रुपए का ये नुकसान हुआ है, जिसमें इनकी आरा मशीन थी और प्लेनर वगैरह थे और बाकी और इनकी मशीनरी थी और फर्नीचर की ये दुकान थी जिसमें फर्नीचर का सामान जो बिक्री के लिए रखा गया था वो भी उसमें जल गया और इसमें जो भवन है जिसके उस भवन का पूरा नुकसान हो गया है और इसके बारे में जो है वो पूरी सूचना जो है प्रशासन को भेज दी गई है, पूरी इसकी सूची तैयार करके और इसमें जो भी होगा प्रशासन इसमें आगे उचित कदम उठाएंगे। मैं पुरुषोत्तम लाल पटवारी टिक्कर करवाड़ी हूँ।